ग्वालियर शहर की उपनगर मुरार पुलिस ने बिहार की रहने वाली एक युवती के खिलाफ धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह युवती पल्लवी प्रिया बिहार के मधेपुरा की रहने वाली बताई गई है। पल्लवी मंगलवार को मुरार के एक्सीलेंसी हाई स्कूल क्रमांक एक में कविता कुमारी के स्थान पर डीएलएड फर्स्ट ईयर पूर्व परीक्षा में शामिल होने आई थी, लेकिन पर्यवेक्षक को पल्लवी पर शक हुआ। जब उन्होंने गंभीरता से कविता कुमारी वन का परीक्षा देती पल्लवी प्रिया के दस्तावेज चेक किए तो फोटो मिसमैच और हस्ताक्षर में अंतर पाया। इसके बाद केंद्र अध्यक्ष शिव ओम सक्सेना को जानकारी दी गई। केंद्र अध्यक्ष ने तुरंत मुरार पुलिस को फर्जी परीक्षार्थी को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर पल्लवी प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धोखाधड़ी कोर्ट सचिव दस्तावेज तैयार करने और परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गौरतलब है कि डीएलएड यानी डिप्लोमा इन लर्निंग एजुकेशन पाठ्यक्रम 2 साल का होता है। यह प्रथम वर्ष पूर्व परीक्षा थी। इस परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा किया गया था। अब पुलिस छात्रा के अलावा मूल परीक्षार्थी कविता कुमारी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। फिलहाल यह पकड़ से बाहर है। मूल परीक्षार्थी और सॉल्वर के बीच में कुल कितने पैसों का परीक्षा का सौदा हुआ था, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। उनके अन्य सहयोगियों का पता लगाया जा रहा है। आज मुरार थाने पर एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल मुरार के केंद्र अध्यक्ष शिव ओम सक्सेना द्वारा एक फर्जी परीक्षार्थी और को लेकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया। आवेदन में जो डिटेल दिया उनने कि आज जो है डीएलएड माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का डीएलएड का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, उसमें एक परीक्षार्थी जो है एग्ज़ाम दे रही थी, तो जो वहाँ पे पर्यवेक्षक थे सुपरवाइज़र उनको डाउट हुआ तो उन्होंने उसकी आईडी वगैरह चेक करी। आईडी चेक करने पर जो एग्ज़ाम देना था जिसको, वो कविता कुमारी के नाम पर एक फर्जी जो है कुमारी पल्लवी प्रिया बिहार मगेपुर की रहने वाली थी, वो उसके स्थान पर पल्लवी प्रिया एग्ज़ाम दे रही थी। तो फर्जी एग्ज़ाम देने पर उसको उनने लिखा पढ़ी करी कर और लिखित आवेदन दिया, तो उनके लिखित आवेदन पर थाना मुरार में धारा 419, 420, 468 और परीक्षा अधिनियम धारा 3 और 4 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इससे क्या पूछताछ की गई है कि और भी लोग हैं ऐसे जो? हाँ, इस संबंध में उससे अब पूछताछ की जा रही है कि मतलब वो कविता कुमारी की जगह परीक्षा देने पल्लवी प्रिया कैसे आई, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। और क्या इससे जुड़े हुए लोग? हाँ, इस संबंध में पूरा कड़ी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके उसकी गिरफ्तारी की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।